हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। आज हम बनाएंगे खरबूजे का जूस। यह जूस बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। गर्मियों के मौसम में इसको काफ़ी पसंद किया जाता है इस जूस को। और आप खरबूजे को काट कर खाएं या जूस बनाकर भी, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मियों में हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जूस बनाने की रेसिपी। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये खरबूजा लिया, ये 500 ग्राम के करीब है। ये हमने आइस लिए हैं, चीनी और टूटी फूटी। टूटी फूटी कोई भी किराने की दुकान में आसानी से मिल जाती है, या आप घर पे भी इसको आसानी से बना भी सकते हो। तो खरबूजे को हम इस तरह कट करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप बना के ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, गर्मियों में बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो अभी हम इसके बीज निकाल लेंगे। बीज हम चम्मच से निकालना है और बीज भी काफ़ी गुणकारी होते हैं। तो आप इसकी कोई भी रेसिपी, इसको सुखा के मंगज भी बनाए जाते हैं, इसी बीज से मंगज बनाया जाता है। तो आप सुखा के इसको फेंकिए ना, ये बहुत ही गुणकारी होते हैं, तो ट्राई ज़रूर करना। तो ऐसे हम दोनों के बीज निकाल देंगे। और इसको सुखा के आप मंगज भी बना सकते हो बीजों को। तो देखिए, हमने अच्छे से बीज निकाल लिए हैं इनके। तो हमें इस टाइप से हमें कट करना है, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। और इसका जूस बनाना बहुत ही आसान है, 5 मिनट में जूस बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से कट कर लिया है सभी को। अभी हम इनके छिलके को ऐसे ही उतार लेंगे, ये देखिए। और अभी हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और ऐसे ही हमने देखिए सारे कट कर लिए हैं। अभी हम मिक्सी का जार लेंगे। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। अभी हम सारे खरबूजे जो कट करके रखे थे सारे डाल देंगे इसमें। और इसमें हमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए और टेस्ट तो इतना अच्छा कि आप पूछो मत। 3 चम्मच हमने इसमें चीनी लिया है, चीनी ये हमने आइस लिया है। चीनी हमें उतनी ही लेनी है जितना खरबूजे पे डिपेंड होता है, कितना मीठा होता है खरबूजा, उसी के हिसाब से हमें चीनी लेनी है। तो ये मैंने मिक्सी का जार ढक दिया है, तो ये हमारा जूस बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इनको ये गिलास में सर्व करेंगे। तो ये मैंने पहले आइस डाल दिया है फ्रेंड्स। आइस से बहुत ही ठंडा जूस होता, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप, ये आप पे डिपेंड है कि आप आइस डालो या ना डालो, क्योंकि गर्मियों में ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों, हमने पहले भी इसमें आइस डाल दिया था, तो मैंने ये देखो गिलास में डाल दिया है। अभी हम टूटी फूटी डालेंगे। टूटी फूटी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, देख पा रहे होंगे आप भी। और ये टूटी फूटी आप घर में भी आसानी से बना सकते हो और किराने की दुकान में भी हमें आसानी से मिल जाता। तो फ्रेंड्स देखिए, और आप भी ट्राई ज़रूर करना, गर्मियों में इंजॉय करना। तो फ्रेंड्स, मैं रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।